अमित को तो ऐसी कहानी सुनाई है कि अब तुम्हें यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। अपनी दुल्हन से कह दो कि बच्चियों की तालीम में रुकावट मत डाले। मुझे नहीं चाहिए कोई तालीम वाली। कल से मैं बच्चियों की जबान पर स्कूल का नाम ना सुनूं। अम्मा जी को मना किया था ना आपने कि दुआ स्कूल नहीं जाएगी आज से। हाँ मना कर दिया था मैंने। मना किया था मगर फिर भी अम्मा जी चली गई स्कूल छोड़ने। क्या हुआ? हाँ वो उन्होंने मना किया था ना कि दुआ स्कूल नहीं जाएगी मगर वो अम्मा जी अपनी मनमानी ही कर रही हैं। एक बात कहूँ सईद मियाँ, मुझे तो बहुत दुख होता है ये देखकर कि इस घर में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है। जरा सी लड़की तुम्हारी बात मानने से इनकारी है और क्यों ना हो दादी की हिमायत जो हासिल है से। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इसी तरह वो हमारी बात टालती रही तो आगे चलकर तो ये बच्चियां हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। सही कह रही है ये बिल्कुल। दुआ कहाँ गई अम्मा? जहाँ रोज जाती है। मैंने मना किया था ना कि वो स्कूल नहीं जाएगी और मैंने भी कहा था कि वो जरूर पढ़ेगी। तौबा तौबा सईद मियाँ, तुम्हारे घर में ये वक्त है। इनको कह दो कि मेरे घर के मामलात में ना बोला करें। गलत नहीं कह रही वो अम्मा। दो कौड़ी की इज्जत कर दी है तुमने मेरी। अरे सईद अपना खून तो ना जलाइए, इन्हें परवाह कहाँ है आपकी? हाँ परवाह तो सिर्फ तुम्हें ही है, हम तो इसके दुश्मन हैं ना। अरे अम्मा इसे तो बख्श दो, क्या मैं काफी नहीं हूँ तुम्हारी नफरत सहने को? सईद अरे कहाँ जा रहे सईद आप? सईद पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे तो डर लग रहा है। अम्मा बेटा तुम्हें तो डर लगेगा ना, तुम्हारा सुहाग जो है और ऐसे गुस्से की हालत में तो मर्द पता नहीं कुछ उल्टा सीधा भी कर बैठते हैं। अम्मा जी रहम करें सईद पे, वो कुछ कर बैठेंगे तभी आपको सुख का सांस मिलेगा। सईद बिना हद करते हैं, गलती किसी और की और गुस्सा कहाँ दिखा रहे हैं मेरा। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे स्टोरी गया होगा और कहाँ जाएगा। नाश्ता वाश्ता किया नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे स्टोर? अमजद को फोन करो और उसे कहो कि सईद आए स्टोर पे तो तुम्हें इतला दे दे, परेशान ना हो। हाँ मैं उसको फोन करती हूँ। खुदा जाने कहाँ गया है, नाश्ता भी नहीं किया उसने। स्टोर पर जाकर देख ली हूँ, शायद वहाँ गया हो। और कहाँ जाना है उसने, बस नाश्ता भी वहीं देकर आती थी। गुस्सा मुझ पर है, खाने से क्या नाराजगी। देखता हूँ तुम अब स्कूल कैसे जाती हो। बाबा चलो अंदर। तुम दुआ के स्कूल गए थे? हाँ गया था। कि दुआ अब स्कूल नहीं जाएगी। कह दिया है मैंने उन्हें कि छोड़ दे मेरी बेटियों का पीछा, पैसा बटोरने के लिए कोई और घर देख ले। लड़कर आए हो तुम? लड़ने की नौबत आती ना तो लड़ भी पड़ता। खरी खरी सुनाकर आया हूं, मेरी मर्जी है, मेरी बेटी है, मैं उसे स्कूल भेजूं या ना भेजूं। तो गोया मेरी और दुआ की मर्जी की कोई हैसियत ही नहीं है। जिसे अपनी मर्जी चलानी है ना अम्मा, अब इस घर में रह के तो नहीं चला सकता। कह दिया मैंने बस। जाओ जाकर उसको नाश्ता दे दो, बेचारा दूसरों की मनमानियों में अपने आप को जला रहा है। सईद दादो, बाबा ने वहां सबकी बहुत इंसल्ट की है। असेंबली भी नहीं शुरू हुई थी, सबने देखा कि बाबा मुझे वहां से किस तरह खींचते हुए लेकर आए थे। दादो आज तो मैथ का टेस्ट भी था, आप मुझे टेस्ट देने दें, फिर बाबा से कहें कि मुझे ले आए। बेशक। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें टेस्ट देने देगा? लेकिन दादो आपने ही तो कहा था कि अब से आपकी मर्जी चलेगी। हाँ आइंदा चलेगी मेरी मर्जी। तो फिर वो मुझे स्कूल से क्यों लेकर आए दादो? आइंदा नहीं लाएगा। आपका मतलब है कि अब मैं स्कूल जा सकती हूँ? हाँ, शर्त बहुत कड़ी है लेकिन मुझे मंजूर है। मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर सब खैर तो है। भाईजान अचानक कहाँ चले गए थे? घबरा तो हम भी गए थे लेकिन शुक्र है कि वो घर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अमजद? भाईजान आपकी खैरियत पता करने आया था, परेशान हो गया था ना आपके लिए। अरे सईद मियाँ, जब तुम घर से चले गए थे तो यकीन करो हमारी जान पे बनाई थी। तो अमजद को फोन किया था कि पता करो कि सईद मियाँ कहाँ गए। डंडोरा पीट दिया आपने खाला जी। चले चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो अमजद। अरे अमजद को कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी तो आया है, मारूफ को कहा है चाय लाने को, वो ला रही है। अब नहीं, क्या जरूरत है, मैं काम पे चलूंगा। बस तुम बैठे रहो, कुछ नहीं कहते सईद मियाँ तुम्हें। चाय पीकर आ जाना। खुदा हाफिज। आप चलो बैठो, तुम्हारी चाय भेजती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। बड़ी आशी हो रही है आजकल। सुना है तुम्हारी नई अम्मी ने स्कूल छोड़वा दिया है। जी आपको पता है नई अम्मी बहुत अच्छी हैं। दुआ स्कूल जाती है? गई तो थी वो लेकिन बाबा उन्हें वापस ले आए, अब नहीं जाएंगी वो स्कूल। अच्छा, जाओ ना जरा उसे बुलाओ तो। किसको बुलाना है भाई? अरे किसी को नहीं, मैं किसको बुलाऊंगा। मैं दुआ आप ही को बुलाती हूँ। वैसे मैं बहुत परेशान हो गया था जब मुझे ये पता चला कि भाईजान आपसे नाराज होकर चले गए। अल्लाह ना करे वो नहीं होते मुझसे नाराज। तुम ये अम्मा जी और दुआ पर गुस्सा है। वैसे दुआ ना भाईजान के लिए हमेशा आजमाइश ही रही है। चाय ला रही हूँ तुम्हारे। दुआ आपी, भाई रमजीत चाचा हैं, आप जाके उनसे मिल लें। आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, जाके मिल लें उनसे। सिला, बैठो यहीं पर बैठना आप। बेटा अमजद से मत मिला करो। क्यों दादो? वो अच्छा नहीं है, दूर रहा करो उससे। आप हटे मुझे। नहीं सिला, तुम बाहर नहीं जाओगी। दादू उनसे कहा दरवाजा खोले, मुझे बाहर जाना है। बेटा जब वो चला जाएगा ना फिर चली जाना। मुझे अभी जाना है, आप हटे सामने से। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। तुम नहीं जाओगी बाहर। मुझे जाना है, जाना नहीं है। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे? अम्मी मुझे बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। तुम्हें मैंने मना किया था, अमजद को क्यों बुलाया तुमने? अम्मा जी मैंने नहीं बुलाया उसे, वो खुद आया है। तो अब निकाल तो नहीं सकती ना, अपने घर के दरवाजे में दूसरों के लिए बंद तो नहीं कर सकती। चाहे वो इन मासूम बच्चियों पर बुरी नजर ही क्यों ना डाले। जिनको मसला है ना वो अंदर ही रहा करे, बाहर ना आया करे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। लेटर दिया टीचर ने। क्या है? शिकायत आई है इसकी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता ना इसलिए। तो दिखाओ इसके बाप को, बहुत नाज है ना इसके बाप को इसकी काबिलियत पे। नहीं नानो, बाबू को मत दिखाइएगा, वो नाराज होंगे। अच्छा अच्छा फिक्र नहीं करो तुम, मैं तुम्हारी में इसको कॉल कर लूंगी, बात कर लूंगी। अम्मी आप प्लीज टीचर से कहिएगा कि वो बाबा को ना कॉल करें प्लीज। कह दूंगी लेकिन जब दोबारा लेटर आएगा तो स्कूल वाले रखेंगे, तब कौन छुपाएगा बाबा से? हाँ तो अच्छा है ना इसको स्कूल से निकाल दें। इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है? छिटाक भर का लड़का है और बैग भर के इसकी फीसें जाती हैं। शानी जाओ तुम, कॉल करती हूँ तुम्हारी बस को। निकलने देना इसको स्कूल से। अम्मी, वो दादू और दुआ कहीं जा रहे हैं। कहाँ? पता नहीं। दादू अब तो संदूक पैक कर रही थी और दुआ भी पैकिंग कर रही थी। लो भैया, एक नया तमाशा शुरू हो गया। लो अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम्हें नजर आ रहा है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, तुम्हारी सरकार ने यही कहा है ना कि जिसने अपनी हसरतें पूरी करनी है वो घर से चला जाए। आप घर छोड़कर जा रही हैं? हाँ, मेरे लिए घर के सुकून से ज्यादा दुआ की तालीम की अहमियत है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। हाँ, हेलो सईद, आप घर आ जाए फौरन। अम्मा जा रही हैं दुआ को लेके, नाराज हैं। ठीक है, फौरन आया। वाकई में जा रही है? अरे जाती है तो जाए, क्या जरूरत है उसे रोकने की और सईद को बताने की। रात को आता, खुद अपनी आंखों से अपने माँ का कारनामा देखता। वो तो आके वो मुझे कहते ना कि मैंने अम्मा को रोका क्यों नहीं, या फिर उन्हें बताया नहीं, तो फिर जवाब क्या देती हूँ? देख लेना, सईद इसको रोक लेगा। वो भी सईद की अम्मा है, सईद से ज्यादा जिद्दी। मुझे नहीं लगता वो रुकेंगे, बहुत जिद्दी है। मैं भी अपने तजर्बे से बताती हूँ, देख लेना सईद उस बुढ़िया को रोकेगा और वो बुढ़िया रुक जाएगी। दादो, हम जा कहाँ रहे हैं? केरला की जमीन बहुत बड़ी है, जहाँ जगह मिलेगी और वहां रुक जाएंगे। चलो दादू, एक मिनट। चलने जा रहा। कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ मैं अपनी मर्जी कर सकूं। इस घर में रहते हुए भी तुमने हमेशा अपनी ही मर्जी की है। खुदा का खौफ करो, क्यों तुम मुझे दुनिया में रुसवा करती हो? तुम्हें दुनिया की रुसवाई की फिक्र है, लेकिन माँ का दिल दुखाकर जो अगले जहान में रुसवाई होगी वो सह लोगे तुम? अम्मा जी, तो सईद ने तो आपको नहीं खा जाने के लिए। और हाँ, अगर मैंने कुछ गुस्से में बोल भी दिया था तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बाकी जाने का सोच लो। और दुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बूढ़ी दादो को इस उम्र में तुम ख्वार करने चल पड़ी थी। मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जितनी ख्वारी इस घर में है, बाहर इससे कमी होगी। अम्मा जी, इतनी नाशुक्री भी अच्छी नहीं। कौन सी ख्वारी है आपको यहाँ पे? हर जरूरत पूरी करते है सईद आपकी, और मैं हर वक्त इतनी फर्मा बर्दारी करती हूँ, फिर भी शिकवा है आपको। मारो, सामान अंदर रखो। अम्मा का लाइए। अम्मा, बस कर दो। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, और मत आजमाओ मुझे। मैं आजमा रही हूं तुम्हें। मैं तो तुम्हारी आजमाइश खत्म कर रही हूं सईद। अपनी जिंदगी में खुश रहो, और ये भी याद रखना कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए होगी। अम्मा जी, बस कर दें। हाथ तक तो जोड़िए उन्होंने आपके सामने, और क्या चाहती हैं आप? रोक रहा है बेटा, रुक जाएं। बाहर की दुनिया नहीं देखी आपने? सारी उम्र पछताएंगी कि बेटा जिस दिन रोक रहा था, काश रुक जाती। मैं बुरा हूं अम्मा, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं कि माँ को घर से जाने दूं। अपना बैग अंदर रखो। तुमने कहीं नहीं जाना, और आइंदा ऐसा सोचना भी मत। अम्मा, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मां को मारा था? नहीं, मैंने नहीं मारा था उसे। वो अस्पताल में मरी थी डॉक्टरों के हाथों। तुम्हें कौन समझाए? तुमने तो मुझसे इंतकाम लेना था, इसलिए आज तुम मेरी मां को अपने साथ लेकर जा रही थी। पापा, मैंने दादू को कुछ नहीं कहा था। तुम्हें शौक है ना पढ़ाई का, चाहे इसके लिए इस घर का सुकून ही बर्बाद हो जाए, तुम्हें इससे क्या? सिला भी तो तुम्हारी बहन है, उससे कभी मुझे कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन तुम इतनी ढीठ क्यों हो? दुआ इतनी ढीठ लड़कियों के तुमसे मेरी नफरत बढ़ती चली जाती है। खुदा तुम जैसी बेटी कभी किसी को ना दे। तुमने कभी ये नहीं सोचा दुआ कि दादी इस उम्र में तुम्हें लेकर कहां तक के खाती फिरेंगी? ये कोई उम्र है उसके धक्के खाने की? इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि छोड़ दो अपनी जिद। एक बार, कम से कम एक बार तो मुझे ये एहसास होने दो कि तुमने भी कभी मेरी कोई बात मानी है। बाहर क्यों नहीं आई? आ रही थी सईद की आवाजें मुझे। रुक गई ना तुम्हारी सास, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि सईद को फोन मत करो, औलाद है उसकी। अपनी माँ को रोक लिया ना उसने। मुझे तो लगा था कि अम्मा जी किसी सूरत नहीं रुकेंगी, मगर बेटे के सामने तो हार मान ली उन्होंने। अब मेरे तजर्बे को भी मान जाओ तुम, मारो हार मान ली ना, अब वो भी हार मान जाएगा। और देख लेना दुआ दोबारा से जो है ना स्कूल जाने लगेगी। दुआ को इतना हल्का मत लो, उसने सईद को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तो सोचो आगे जाके वो तुम्हारा क्या हशर करेगी। आइए फरमान सर, ये गो थ्रू कर लीजिएगा, ये फाइल मैंने रेडी कर लिया है। आपकी तसल्ली हो गई है ना, बस काफ़ी है। मैं जल्दी में हूँ ज़रा। खैरियत से? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, घर से फ़ोन आया था। ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे शहजाद बेटा, ये क्या लाए हो? वो अम्मी ने बिरयानी बनाई थी ना, तो आपके लिए भेजिए। अच्छा चलो अंदर। शहजाद बेटा, क्या ये मैं भी खा सकता हूँ? ये सिर्फ ये डाला आंटी के? नहीं अंकल, आप भी खा सकते हैं। फिर भी एक बार अपनी अम्मी से पूछ लेना। अरे शहजाद बेटा, अंकल मजाक कर रहे हैं। नाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शहजाद, एक बार अपनी अम्मी से पूछ लेना। जी अंकल। हाँ बेटा, मैं आती हूँ। आओ बेटा। ये गिटार आपका है? अरे हाँ यार, ये स्टोर से निकला है, तुम्हारी आंटी ने निकाला है। कह रही किसी को दे दो। आपको गिटार बजाना आता है? हाँ बहुत अच्छा। अपने बाबा से पूछना, कॉलेज लाइफ में बहुत से कॉन्सर्ट्स किए हैं मैंने। तुम्हें शौक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे ये जानना है इसको बताते कैसे। कोई अच्छी मेलोडी सिखाता हूँ तुम्हें मैं। तुम तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो, फौरन सीख जाओगे। बेटा ये लो, और भाभी को थैंक्स बोलना। ओके आंटी, लाफिज। पढ़ने वाला बच्चा है, उसे इन फजूलियात में मत उलझाओ। नायला, ये फजूलियात थोड़ी है, इसको टैलेंट कहते हैं। और तुम तो जानती हो मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मैं आपके टैलेंट को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें एक मेलोडी सुनाता हूँ। नहीं नहीं रहने दें, मैं अपने काम कर लेती हूँ। पता है बाबा, जुबैर अंकल बहुत फनी है। मैंने नाला आंटी को बिरयानी दी तो कहने लगे कि सिर्फ नाला आंटी के लिए। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा आपके लिए भी भेजी है। तो फिर कहने लगे अपनी अम्मी से ज्यादा लेना कि उनके लिए है या नहीं। अच्छा कोई इतनी अहमकाना बात पे हंसी क्यों आ रही है? मैंने तुमसे कहा था ना बहुत डरता है तुमसे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, बिरयानी मैंने नायला भाभी के लिए भेजी और आपके दोस्त ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा ना ठीक है, अब ज्यादा इरिटेट होने वाली क्या बात है इसमें यार। बाबा जुबैर अंकल को गिटार भी बजाना आता है। बहुत जबरदस्त। कॉलेज के टाइम पे बहुत अच्छा गिटार बजाता था, हम उससे फरमाइशें भी करते थे। अब पता नहीं कैसा बजाता है। लेकिन जुबैर भाई अपने शौक तुमसे क्यों डिस्कस करते हैं? मम्मी ऊपर गिटार पड़ा हुआ था तो मैंने पूछ लिया। हाँ बाबा कल मेरा टेस्ट है, मैं उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। हाँ बेटा सुनो, इसको तो खत्म करो। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू बाबा। क्या हो गया तुम्हें यार? बच्चे के सामने जुबैर से इतना इरिटेट तो मत हुआ करो। तो फिर प्लीज आप लोग जुबैर भाई को मेरे सामने डिस्कस ना क्या करें। डिस्कस ना किया करें, अब वो हमारे पोर्शन में भी नहीं आता। तो सही करते हैं ना, आपके दोस्त हैं, आपसे मिलना है तो बाहर मिल लिया करें। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता है, उसका अपना घर है और अपने घर में उसको आना अलाउ नहीं है। अच्छा हाँ याद आया, मैं रोज साहब की वालदा को कॉल कर लेना, उनकी तबीयत ठीक है। ख्याल तो मुझे बहुत बार आया लेकिन ये सोच के रुक गई कि उन्हें या मेरोज साहब को ये ना लगे कि हम खामखाई अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं। सही कह रही हूँ, लेकिन एक कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है अयादत के लिए। ठीक है मैं खाने के बाद कॉल कर लूँ। बिरयानी खा लूँ? नहीं और है, निकाल कर लाऊँ? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैंने स्कूल छोड़ दिया, दादा को भी बता दिया और किताबें भी रद्दी वाले को दे दी। अच्छा किया तुमने, बड़ी हो रही हो तो दादी की जगह घर संभालो और जो काम ना है वो मारूफ से कहो, वो सिखाएगी तुम्हें। अब दादी की उम्र नहीं है तुम लोगों की खिदमतें करने की। कमरे में जाओ। जी बाबा। नाराजगी खत्म भी कर दो अम्मा। मैं जो बात समझाता हूं तुम्हें हर बात मेरी बुरी लगती है। इस घर का माहौल मुझे बहुत तकलीफ देता है, हर वक्त कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई टेंशन। हम लोग प्यार और सुकून से क्यों नहीं रह सकते अम्मा? जाओ सईद जाओ, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है तुम्हारा। तो हमेशा मेरी हर बात बुरी लगती है। जिस माँ का बेटा उसे घर के बाहर का रास्ता दिखा दे, उस माँ को उस बेटे की ही नहीं किसी और की बात भी अच्छी नहीं लगती। अम्मा भूल भी जाओ इस बात को। नहीं सईद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं भुलाई जाती, वो कब्र में साथ जाती हैं। कोशिश करो कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी एक माँ इस घर में रहती। मैं तो बस अपने कांधों पर एक लाश लेकर के फिर रही हूँ। और अगर मुझे ज़रा भी एतबार होता कि बच्चियाँ इस घर में महफूज हैं तो मैं खामोशी से चली जाती। बात हुई अम्मा जी से? मैं जानती हूँ आप उन्हीं के पास से आ रहे हैं। एक मशवरा दूँ आपको? अम्मा जी को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप उन्हें जितनी अहमियत देते हैं ना, उतना उन्हें लगता है कि इस घर में सिर्फ एक वही है और किसी की कोई हैसियत ही नहीं। वो भी यही चाहती हैं कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, भूल जाऊं कि इस घर में वो भी हैं। और परेशान है अम्मा के, मैंने उनको घर से जाने के लिए कहा। तो कौन सा आपने दिल से कहा है, गुस्से में ही कहा था ना। अब ये बात भी समझानी पड़ेगी अम्मा जी को। भैया खाना ला रही हूँ मैं आपके लिए। एक बात बताया, बेटे का घर आना बर्दाश्त नहीं होता आपसे। आते ही उनको बातें सुनानी शुरू कर दी। क्या हुआ मारो? होना क्या है, सही के घर आते ही मूड खराब कर दिया उनका। आपका अगर यही रवैया रहा ना तो मेरी बेटी के दिल से आपका एहतराम उतर जाएगा। एहतराम? एहतराम का मतलब जानती है वो? जानती है, खूब अच्छी तरीके से जानती है। और कौन एहतराम के काबिल है और कौन नहीं, इसीलिए तो अपने घर में बर्दाश्त करिए। वो आप अपना घर, ये घर सईद के बच्चों का है। था शादी से पहले ही सईद ने ये घर मेरी बेटी के नाम कर दिया है। इसीलिए तो कहती हूँ इज्जत से मुंह बंद करके बैठी रहो यहाँ पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शायसा आंटी से बात हो सकती है? आप कौन? असमत, मिसेस फरमान। जी भाभी, मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। अम्मी दवा लेकर सो गई हैं। अच्छा, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी शाम से कुछ बेहतर है। आपकी कॉल आई थी, मैंने बता दूंगा। सुनकर बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, हो गई बात? नहीं, शायसा आंटी से तो बात नहीं हो सकी, वो तो दवा लेके सो चुकी। कोई बात नहीं, कल कॉल कर लेंगे। उनका फोन भी महरोज साहब के पास था, उन्होंने ही कॉल अटेंड की थी अभी मेरी। वो क्या है ना, जब उनकी वालदा की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उनका ज्यादातर वक्त अपनी वालदा के साथ ही गुजरता है। शायद इतना परेशान रहते हैं अपनी वालदा के लिए, मुझे समझ नहीं आता अपनी फैमिली को साथ क्यों नहीं रखते। यार ये उनका पर्सनल मैटर है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपके बॉस हैं, आपने ही कहा था कि उन्हें कॉल करूं। हाँ, कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाओ। दोस्ती हो गई है ना मेरी आंटी से। चलो अच्छी बात है। शादी से पहले ही सईद ने ये घर मेरी बेटी के नाम कर दिया है। इसीलिए तो कहती हूँ इज्जत से मुंह बंद करके बैठी रहो यहाँ पे। कहाँ क्यों बैठी हो अम्मा? और कहाँ बैठूं? मेरा मतलब है कि तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पराए घर में नींद कहाँ आती है? माफ कर दो अम्मा मुझे। अब उस एक बात को लेकर मुझे और कितनी बातें सुनाओगी? मान तो रहा हूं कि उससे गलती हो गई, लेकिन मैं ये ऐसे कैसे सोच सकता हूं कि तुम कहीं और चली जाओ? लाख बदतमीज सही, नाफरमान सही, लेकिन तुम्हारी दुआओं और साथ का तो हमेशा से मोहताज हूं। माफ कर दो, घर तुम्हारा है। अगर कभी तुमने जाने का सोचा भी ना तो तुमसे पहले मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं जाऊं या तुम? घर तो जिसका है उसी का ही रहेगा ना। तुमने घर मारूफ के नाम कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे अम्मा, बताना था तुम्हें, लेकिन नौबत ही कब आई? इस घर में एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, वरना ये कैसे हो सकता है कि बस कर तो सही। जो तुमने करना था कर लिया, तुम्हें तो शायद याद ना हो, लेकिन मैं नहीं भुला सकती कि किस तरह तुम्हारे बाप ने मेहनत करके पाई पाई जोड़ के ये घर खरीदा था। मुझे वो वक्त भी याद जब उन्होंने ये घर तुम्हारे नाम किया था। मैंने और तुमने मना भी किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा था जिंदगी का क्या भरोसा, जो काम बाद में करना है वो पहले हो जाए तो अच्छा है। उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि उनका बेटा उनकी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक औरत की मोहब्बत में उस पर वार देगा। घर चाहे किसी के भी नाम हो, क्या फर्क पड़ता है? असल मालकिन तो तुम ही हो ना इस घर की। यकीन जानो, मारूफ से बना के रखोगी ना तो वो सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेगी। हाँ, ठीक कहते हो तुम बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो कि मुझे मारूफ से बनाकर रखनी चाहिए। खिदमत करे ना करे, सर छुपाने के लिए जगह तो दे देगी ना अपने घर में। गहरे रंग ना आप पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, यही पहना कीजिए। अम्मा को तुमने कहा है कि ये मकान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया? नहीं तो मैंने तो नहीं कहा। क्यों? अम्मा को ये बात मैंने भी नहीं बताई थी। बहुत दुख हुआ है मुझे ये बात जानकर। सईद अहमद, आपको तो दुख नहीं हुआ ना ये मकान मेरे नाम करके? फारूक, मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से तुम्हारे नाम किया। फिर ये बात अपनी अम्मा जी को भी समझा दी चाहिए ना, हो कि कल वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं इस बात पर। देखो मारूफ, अम्मा के लिए ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, अब्बा की पूरी जिंदगी का असासा है। आप भी तो अपने अब्बा की ही जिंदगी का असासा हैं, इकलौते बेटे हैं आप उनके। जब आपने खुद को मुझे सौंप दिया तो आखिर ये घर क्या चीज है, इसकी क्या हैसियत है? आपकी अम्मा को भी ना बस मौका चाहिए होता है कि घर में कोई ना कोई बात ऐसी हो जाए कि बदमज़गी रहे, और कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है मानो। तो फिर क्या बात है? जो भी दिल में है ना साफ साफ कहिए। देखो मानो, अम्मा को खुश रखने की कोशिश किया करो। बहुत सदमा पहुंचा है उन्हें। उन्हें यूं लगने लगा है जैसे वो बेघर हो गई है। आप परेशान ना हो, घर तो ये अम्मा जी का ही है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे। कोई बात भी सुना देती है ना तो मैं कोई जवाब नहीं देती, खामोश रहती हूँ, आपसे भी नहीं कहती। उल्टा आपको समझाती हूँ कि अम्मा से तलखलाइचे में बात ना किया कीजिए। तो खुद सोचे भला मैं उन्हें दुख पहुंचाने का सोच भी सकती हूँ? कितनी अच्छी हो। ऐसे तो ना कहें, तो फर्ज है मेरा। मेरी भी तो माँ है ना वो। देर हो रही है आपको। हाँ चलिए।